सौतेली सास। निमृत अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। अब निमृत की शादी की उम्र हो चुकी थी, उसकी सभी सहेलियों की तो शादी भी हो चुकी थी। निमृत को अपनी शादी को लेकर काफ़ी अरमान थे। ऐसे ही एक दिन निमृत अपनी बचपन की दोस्त दिया को फ़ोन करती है। दिया, कैसी है तू अपने ससुराल में? शादी की बात तो मुझे भूल ही गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमृत, तू बता तो कैसी है और कब शादी कर रही है? यार, शादी के लिए तैयार तो मैं भी हूँ, इसलिए तू भी विश कर कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरे लिए ना ढंग का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। वैसे तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? तेरी सास कैसी है? मैंने जहाँ तक सुना है सास बहुत खड़ूस होती है, क्या सच में सास ऐसी होती है? अब सास को लेकर मैं तुझे क्या बताऊँ निमृत, मेरी सास थी तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बस यही वजह है कि मैं तुझे फ़ोन नहीं कर पाती। तू नहीं जानती पर मेरी सास को ना हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत है। थोड़ा खाना ज़्यादा बन जाए तो उन्हें परेशानी होती है। अरे कितना ही स्वादिष्ट खाना बना दो, कमियाँ फिर भी निकाल देती हैं। और खुद घर का ना एक काम नहीं करती, ऊपर से मुझे काम चोर कहती है। रात में 1 बजे मैं जाती हूँ सोने के लिए और फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, और लेकिन फिर भी ना कोई कदर नहीं है मेरी। दिया के मुंह से सास की बुराइयां सुनकर निमृत का भी शादी से मन हटने लगता है, और वो हर समय इसी सोच में रहती है कि आखिर सच में सास इतनी बुरी होती है। तभी उसकी एक और दोस्त निधि का फोन आता है और निमृत निधि से भी सेम सवाल करती है। तब निधि जवाब देती है, अरे पागल है तू, तो भी ना दिया की बात को इतना सीरियसली ले रही है। दिया तुझसे मजाक कर रही थी, वो अभी भी लाइन पर है, यकीन नहीं हो रहा तो खुद पूछ ले। अब निमृत अपनी दोनों दोस्तों से बातें करती है, जिसके बाद निमृत के मन से सास के लिए डर खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही बहुत जल्द निमृत का रिश्ता निखिल नाम के एक बहुत ही स्मार्ट लड़के से तय हो जाता है, और बहुत जल्द निमृत की शादी निखिल से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद निमृत के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर में आती ही उसकी सास रूबी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। शादी के अगले ही दिन, अरे ओ महारानी, खाली निखिल के साथ ही गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर घर का थोड़ा काम भी करोगी? जब से आई हो तब से आराम कर रही हो, हमारी भी शादी हुई थी पर हम तुम्हारी तरह नहीं थके थके से थे। उम्मा जी, मैं निखिल जी के कपड़े प्रेस कर रही थी। बहू, मानते हैं तुम्हारा पति निखिल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर का और कोई काम ना करो। अगर अपने पति की सेवा करनी हो गई हो तो अपनी सास के भी थोड़े पैर दबा दो। निमृत अपनी सास के पैर दबाने लगती है, पर फिर भी रूबी निमृत को ही भला बुरा कहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, रूबी निमृत को जरा भी आराम करने नहीं देती। अपनी सास की आदतों से अब निमृत परेशान होने लगती है। और एक दिन, क्या रे बहू, तो क्या ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है जो तूने आज कपड़े नहीं धोए? वो माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, बस इस वजह से। मैं कल सुबह सारे कपड़े धो दूंगी। ये सुनकर रूबी उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे धमकाते हुए कहती है, बहू, अगर तेरी जगह मेरी सगी बहू होती ना तो भी हम उसके साथ यही करते, और तू तो हमारी सौतेली बहू है और हम तेरी सौतेली सास, समझी? अगर अपनी सौतेली सास के अत्याचारों से बचना है तो उसके पैर के नीचे दब के रहना सीख ले, समझी? इस तरह से रूबी निमृत के हाथ में सारे गंदे कपड़े थमा देती है। बेचारी निमृत रोते हुए पूरी रात कपड़े धोती है। ये सब देखकर निखिल को अच्छा नहीं लगता और वो निमृत की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। माफ करना निमृत, पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास सौतेली है। निखिल जी, पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की? मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें दिखाने के लिए ही पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं हुई। मुझे माफ़ करना निमृत, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो माँ फिर से तुम्हें कोई नई सजा दे देंगी। निखिल जी, सजा तो मुझे मिल ही रही है शादी करके। मैंने सोचा था सास माँ समान होती है, पर आज मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई, और उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है
कि आप सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ निमृत, पर मेरी मजबूरी है। निखिल निमृत से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे रूबी के आने की आहट आती है और वो जल्दी से वहां से अपने कमरे में चला जाता है। निमृत सारे कपड़े धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही रूबी निमृत को अपने कमरे में बुला लेती है और कहती है, क्या बहुरानी, बहुत नींद आ रही है या फिर पति की याद आ रही है? पर क्या करे, अब तुझे सौतेली सास जो मिली है उसे भी तो देखना पड़ेगा। बेचारी मेरी बहू, जब से शादी हुई है पति के साथ टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। क्या माँ जी, मैं सिर्फ अपने पति के लिए ये सब कर रही हूँ, वरना आप जैसी सासों को सीधा करना मुझे आता है। मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या बात है जो निखिल जी आपके खिलाफ नहीं जाते। निमृत इतना बोलती ही है कि तभी रूबी निमृत के बाल पकड़ लेती है और उससे कहती है, तो फिर मेरी प्यारी बहू, जैसे तेरा पति गूंगा और अंधा बना बैठा है, वैसे तू भी गूंगी और अंधी बन जा। अगर ज्यादा मुंह चलाया ना तो जुबान काट लूंगी। इतना बोलकर रूबी वहां से चली जाती है। पर अब निमृत अपनी सौतेली सास का और अत्याचार सहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास के खिलाफ आवाज उठाने की सोचती है। साथ ही वो अपने पति को भी अपनी माँ के खिलाफ बोलने के लिए कहती है, निखिल जी मेरे बहुत अरमान थे, अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि मेरी सास ऐसी होगी तो मैं ये शादी ही नहीं करती। पर मुझे सबसे ज्यादा आपके लिए दुख हो रहा है कि आप इतने सालों से अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रहे हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता कि जब घर की सारी जिम्मेदारियां सब कुछ आपके हाथों में है तो आप अपनी सौतेली माँ का अत्याचार क्यों सह रहे हैं? निमृत, क्योंकि मेरे पापा की जान उस औरत के हाथ में है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, अगर मैं अपनी सौतेली माँ के खिलाफ गया तो वो मेरे पापा को मार देगी, और आज मेरे पापा की जो हालत है वो उन्हीं की वजह से है। अच्छा, तो ये बात है, यही है उस औरत का राज। कोई बात नहीं, अब उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसको उसके कर्मों की सजा कोई नहीं दे पाया ना, लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं उस औरत को उसके किए की सजा दूंगी। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे निमृत? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए निखिल जी, अब मैं आपको और अपने पापा जी को उस औरत का और अत्याचार नहीं सहने दूंगी, बहुत हो गया। अब जैसे ही निमृत को अपनी सौतेली सास के बारे में पता चलता है, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने विकलांग ससुर को अपने मायके भेज देती है और रूबी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है, जिसके बाद रूबी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसके किए की सजा देती है। तो वहीं दूसरी ओर निमृत, जैसा कि उसने शादी के बाद अपना जीवन जीने का सोचा था, वो उसी तरह से अपने ससुराल में बिना सास के एक खुशहाल जीवन जीती है।